मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है पोर टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कर्नाटक बंद, कई शहरों में सड़कें सुनसान, तो प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। कावेरी पानी बंटवारा, खून देंगे पानी नहीं के नारों के साथ बंद। उत्तर कन्नड़ा के कुछ शहरों को छोड़कर बाकी जगह कामयाब। सड़कें सुनसान, लोगों की भीड़ से भरे रहने वाले शहर, खाली खाली रास्तों पर उतरे प्रदर्शनकारी। धारा 144 के बीच पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। तमिलनाडु से आने वाले वाहनों पर पाबंदी, शाम 6 बजे तक यही हालात रहेंगे। राज्य भर के बेंगलुरु, मंडिया, हासन, कोलार, बेलगाम, धारवाड़ के अलावा कई शहरों में सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु को पानी छोड़ने के फैसले और सरकार को पानी रोकने के लिए फ्रीडम पार्क में कावेरी पानी सुरक्षा समिति, किसानों का एहतजाज, तो वाटाल नागराज के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन। क्या निकल पाएगा इस मसले का हल और कितने दिन बंद के बाद निकलेगा समाधान, देखना होगा जनता को। तमिलनाडु के सीएम की फोटो जलाकर चप्पल झाड़ू से पीटा आंदोलनकारियों ने। कर्नाटक बंद के चलते बेंगलुरु में कावेरी विवाद के चलते बंद के दौरान तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की फोटो को जलाकर चप्पल और झाड़ू से पीटकर कावेरी पानी हमारा जीवन हमारा अधिकार है के नारे लगाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया कन्नड़ा पर संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने। राज्य में तमिलनाडु के बसेस और गाड़ियों को नो एंट्री, कर्नाटका बंद। कर्नाटका तमिलनाडु सरहद आनेकल पर कावेरी पानी विवाद के चलते आज बंद के दौरान तमिलनाडु से आने वाली तमाम गाड़ियां और बस पर रोक लगाई पुलिस ने। सरहद के चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ने गाड़ी और लारी बसेस को वापस भेजा, तो कुछ जरूरी लारियां वहीं रुकी हुई हैं। कर्नाटका की सरहदों पर सन्नाटा छाया हुआ है इस बंद के चलते। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी, कर्नाटका बंद में प्रदर्शनकारियों की हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु के टाउन हॉल के पास कावेरी जल विवाद के चलते चल रहे प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिससे कुछ देर तक तनाव का माहौल देखने को मिला। इस बंद के दौरान इलाके में प्रवीण शेट्टी और वाटाल नागराज को गिरफ्तार कर ले गई पुलिस। हम पानी के लिए बंद कर रहे हैं और सरकार हमें ही बंद कर रही है, कहा मुखंडों ने। बुरखा पहनकर वाटाल नागराज की अनोखी हड़ताल। कावेरी पानी मसले पर आज कर्नाटका बंद के चलते कन्नड़ा आंदोलनकारी वाटाल नागराज ने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए अनोखा तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने बुरखा पहन कर कहा कि ये महिलाओं का सम्मान और इज्जत की पहचान है, इंसाफ की मूर्ति और इंसाफ की निशानी है ये बुरखा। मुस्लिम महिलाओं के पहनने वाला शानदार लिबास है ये बुरखा। आप इसको इंसाफ की देवी के पहनने वाला लिबास भी कह सकते हैं। मैं ये पहनकर सरकार के कावेरी मामले में बेबसी और लाचारी पर आवाज उठा रहा हूँ, कहा वाटाल नागराज ने। कावेरी की लड़ाई में सैंडलवुड हुआ शामिल। कर्नाटका के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, उन्हें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। यहाँ के लोग दोस्ती और अपनायत को लेकर जाने और पहचाने जाते हैं, सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। कावेरी पानी बंटवारे से हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस लड़ाई में तमाम सांसदों को एक होकर केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री खड़ी होने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, इस तरीके से ये लड़ाई नहीं लड़नी है, उस तरीके से लड़नी होगी जहां हम जीत जाएं। इस तरह गैर जरूरी बातों से मसले का हल नहीं होगा। हम दुआ करते हैं कि कावेरी नदी बारिश के पानी से भर जाए और सरकार को अपना फर्ज याद आए, कहा एक साथ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता और अभिनेत्रियों ने। हमारी है कावेरी, सिर्फ हमारी है।
जान देंगे कावेरी का पानी नहीं के नारों के साथ आंदोलनकारियों की हड़ताल। खून से पत्र लिखकर कावेरी सिर्फ हमारी है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लेकर कर्नाटका की जनता और किसानों को इनका हक दिलाए सरकार के नारे लगाए प्रदर्शनकारियों ने। एयरपोर्ट का घेराव करने वाले प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। कावेरी पानी मामला अब जमीन के साथ साथ आसमान पर भी छा गया है। कर्नाटका बंद के चलते बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कन्नड़ पर संगठनों का घेराव और एयरपोर्ट के आंगन में हड़ताल। आज कर्नाटका बंद के चलते 44 उड़ानों को रोका है एयरपोर्ट अथॉरिटी विभाग ने, जहां पुलिस ने किया इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार। मिलाद के जुलूस में हिंदू भाइयों ने पेश की भाईचारे की मिसाल। मिलाद के मौके पर मुस्लिम समुदाय की जानिब से कोप्पल के गलियों से आजीमुशान जुलूस से मिलाद निकाला गया। इस मौके पर हिंदू भाइयों ने मुस्लिम अकीदतमंदों को सड़क किनारे खड़े होकर जूस, पानी, फल और नाश्ते का इंतजाम करके हिंदू महामंडली ने अशोक सर्कल कोप्पल में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करके नफरत बांटने वालों के मुंह पर प्यार का तमाचा मारा है इन भाइयों ने। कर्नाटक बंद में क्या क्या हुआ, किस किस शहर में खून से लिखा पत्र, नेशनल हाईवे बंद, भैंस के साथ परेड, तमिलनाडु के सीएम की निकाली गई शव यात्रा, बाइक रैली का आयोजन, आंखों पर पट्टी, सड़क पर बिस्लेरी के पानी से नहाते आंदोलनकारी, इन तमाम के बीच संघर्ष करती पुलिस। मंडिया, बेलगाम, रामनगर, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलुरु में नजर आए ये नज़ारे तो बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क, मल्लेश्वरम, टाउन हॉल, डॉलर्स कॉलोनी, अत्तीबेले, राजाजी नगर में स्टालिन की फोटो को आग तो वाटाल नागराज का बुरखा और खाली मटकी, झाड़ू और चप्पल टायरों को आग लगाते आंदोलनकारी और उनकी गिरफ्तारी। केआर मार्केट, टाउन हॉल, केएसआरटीसी, बीएमटीसी खाली खाली, ये था कर्नाटक बंद के चलते शहरों का हाल। सिनेमा स्टाइल में बैलेट पेपर्स की लूट। रामनगर जिला मागड़ी के पास सरकारी अधिकारियों के काफिले को रोककर हथियार से डराते हुए बैलेट पेपर्स लूटकर फिल्मी अंदाज में फरार हुए लुटेरे, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। इलेक्शन के लिए सरकारी अधिकारी निभा रहे थे अपनी जिम्मेदारी। कावेरी पानी हमारा है, कावेरी का पानी हमारा है, हम इसे तमिलनाडु को क्यों दें, हमारे पास ही पानी नहीं तो हम कैसे दूसरों को दे सकते हैं। पानी हमारे मरने के वक्त भी अपने मुंह में पानी लाने के लिए कावेरी की ज़रूरत है, हमें चाहे तो जान दे देंगे, पानी नहीं, तमिलनाडु को पानी छोड़ना ये हमारे साथ नाइंसाफी है, कहा प्रदर्शनकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।